कक्षा 6 विषय गणित, इसमें हम कर रहे थे प्रश्नावली 10.3। तो इस प्रश्नावली के हमने दो सवाल लिए हैं जिनको हम हल करने का अभ्यास करेंगे। पहला सवाल है, आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 12 सेमी तथा 4 सेमी हैं। तो देखिए, सबसे पहले इसमें आपको ज्ञात क्या करना है, आयत का क्षेत्रफल दिया हुआ क्या है, लंबाई चौड़ाई। लंबाई आपको दे रखी है 12 सेमी, चौड़ाई आपको दे रखी है 4 सेमी और आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इसके पहले मैं हमने जो सवाल किए थे तो बताया था मैंने आपको, आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई। क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई। तो देख, सबसे पहले तो आप लिखोगे आयत की लंबाई, आयत की लंबाई, और आयत की लंबाई आपको दे रखी है 12 सेमी। आयत की लंबाई 12 सेमी। फिर आयत की चौड़ाई, और ये आपको दे रखा है 4 सेमी। क्या ज्ञात करना है इसमें आपको, क्षेत्रफल। क्या ज्ञात करना है, क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल, और सूत्र होता है इसका लंबाई इंटू चौड़ाई। लंबाई दे रखी है 12 इंटू 4, सेमी। तो 12 को 4 से गुणा करेंगे, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 तीन 36, 12 चौके 48, और सेमी को सेमी से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये सेमी स्क्वायर। इसको मैंने आपको कल समझाया था, क्योंकि 12 भी सेमी है, ये भी सेमी है, सेमी को सेमी से गुणा करते हैं तब क्या बनता है, सेमी स्क्वायर। क्या बनता है, सेमी स्क्वायर। तो इस प्रकार ये पहला प्रश्न। फिर प्रश्न नंबर 2, 50 मीटर लंबाई वाले एक आयताकार बगीचे का क्षेत्रफल 300 वर्ग मीटर है, तो बगीचे की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले तो ये देखिए, आपको ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना है आपको बगीचे की चौड़ाई। अब दिया हुआ क्या है, 50 मीटर तो दे रखी है आपको लंबाई, और क्षेत्रफल आपको सवाल में दे रखा है 300 वर्ग मीटर। आपको लंबाई दे रखी है, क्षेत्रफल दे रखा है, आपको क्या ज्ञात करनी है, चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले आयताकार बगीचे की लंबाई ये दे रखा है 50 मीटर, फिर आयता का बगीचे का क्षेत्रफल ये दे रखा है 300 वर्ग मीटर। अब क्या ज्ञात करनी है आपको, चौड़ाई ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है, चौड़ाई।
तो आयताकार बगीचे की चौड़ाई, तो इसका क्षेत्रफल होता है, इसका सूत्र होता है क्षेत्रफल बट्टा लंबाई, यानी जो क्षेत्रफल आपको दे रखा है उसमें हम लंबाई का क्या लगा देंगे, भाग लगा देंगे, क्या लगा देंगे, भाग लगा देंगे। तो आपको दे रखा है क्षेत्रफल 300 वर्ग मीटर बट्टा लंबाई दे रखी है 50 मीटर, तो पहले मीटर का भाग वर्ग मीटर में लगाएंगे तो हमारे पास नीचे आएगा मीटर, 10 से 10 कट गया। अब क्या कर रहा है, 5 का भाग 30 में लगाना है, तो 5 एकम 5, 5 2 10, 5 3 15, 5 4 20, 5 5 25, 5 6 30, पूरा पूरा जाता है 6 बार। तो आपका आंसर आया 6 मीटर, और नीचे हम लिख देंगे अतः बगीचे की चौड़ाई 6 मीटर, और ये आपका आंसर। इस प्रकार से आपको इन सवालों को हल करना है, इनको कॉपी में उतारिए और फिर समय हल करने का अभ्यास कीजिए।